नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं IQ Z6 Pro स्मार्टफोन के बारे में। अनबॉक्सिंग इस फ़ोन की आप देखना शुरू कर चुके हैं, आगे आपको कैमरा रिव्यू भी देखने को मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इस फ़ोन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। 25,000 के अंदर ये फ़ोन आता है और कुछ डिस्काउंट्स वगैरह लगा के आप इसे 22,000 तक भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया ये 8GB 128GB वाला वेरियंट 22,000 रुपये में। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और ये आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से प्लास्टिक में रैप होकर के आता है। और इसकी खासियत है दोस्तों कि एक 5G स्मार्टफोन है, स्नैपड्रैगन 778 प्रोसेसर के साथ में आता है, जो कि इसको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है, चाहे आप गेमिंग करें या फिर आप डे टू डे यूजेस के लिए लेने वाले हैं। और इसके जो कैमराज हैं वो भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, आगे आप फुल कैमरा रिव्यू भी आप वीडियो में देखेंगे। तो ये एक कवर मिलता है दोस्तों जो कि काफ़ी अच्छा है और आपको बड़ा ही अच्छे तरीके से आपके डिस्प्ले को और कैमरा बम्प वगैरह को प्रोटेक्ट करता है ये। और आप देखेंगे कि एक टाइप सी केबल निकल करके आ रहा है और ये सिम इजेक्टर टूल है इस फ़ोन का। और जो चार्जर है वो अभी भी बॉक्स में मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल चार्जर गायब हो रहे हैं दोस्तों फ़ोन के बॉक्सेस से। 80 वॉट रेटिंग है इस पे, लेकिन जो फ़ोन है वो 66 वॉट्स की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो आप चार्जर पे 80 वॉट देखकर भ्रमित ना हो, ये 66 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और वो भी काफ़ी फास्ट है दोस्तों। कंपनी क्लेम करती है कि 50% 18 मिनट में हो जाएगा, लेकिन उतना तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छा खासा स्पीड देखने को आपको मिलेगा। और आप हो सकता है कि अगर बहुत ही केयरफुली करें तो उतने टाइम में भी हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप फ़ोन को सेटअप करते समय यहाँ से एड्स को बंद कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस का जो स्विच है, टॉगल है, उसे आप बंद कर दें अगर फ़ोन अपने यहाँ सेटअप कर रहे हैं तो, और नहीं तो आप सेटिंग से जाके भी उसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ हम जेस्चर नेविगेशन को सेलेक्ट करके और आगे बढ़ते हैं, फंटा चॉइस 12 में घुसते हैं दोस्तों। ये बेस्ड है एंड्रॉयड 12 पे, फंटा चॉइस 12, तो ये भी एक इस फ़ोन की खासियत है कि लेटेस्ट यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है IQ की तरफ से भी, और जो गूगल का लेटेस्ट एंड्रॉयड है वो भी। तो UI काफ़ी फैमिलियर सी है मुझे, क्योंकि मैं IQ का ही इस फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ फिलहाल। और ये फ़ोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक यहाँ पे एक्सटेंडेड रैम का भी फीचर आता है जो कि 8+4GB इंटरनल स्टोरेज में से लेके और 12GB रैम बना देता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी स्नैपी परफॉर्मेंस हो जाती है फ़ोन की उसके रीजन से। और आगे बात करते हैं दोस्तों कि फ़ोन का ऑप्टिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है 0 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, लेकिन आप घबराएं नहीं, आप थोड़ा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी यूज़ करेंगे तो उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आप देखें दोस्तों, जो केस मैं बात कर रहा था कि फ्री आता है फ़ोन के साथ, काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है और कैमरा के ऊपर एक छोटा सा इसे लिप जैसा निकल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है फ़ोन को गिरने पे। और वैसे ही सेम कंडीशन ये सामने स्क्रीन के लिए भी, यहाँ पे छोटी छोटी रेज्ड लिप्स बनाई हुई हैं फ़ोन के चारों तरफ, तो काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे अगर आपका फ़ोन एक्सीडेंटली गिरता है तो। और आप देख सकते हैं कि इसमें हेडफोन जैक नहीं आता है दोस्तों, और ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है, तो ये काफ़ी अच्छा है और अच्छे से काम करता है। AMOLED डिस्प्ले होने के कारण इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इंक्लूड कर दिया है कंपनी ने, और ये काफ़ी अच्छे से काम करता है, कोई गड़बड़ी नहीं है। अब आप बात करते हैं इसके कैमराज की। 64MP का ओमनीविजन वाला सेंसर आता है जो मेन है, और 8MP का अल्ट्रा वाइड है, और जो 2MP का मैक्रो है उसके बारे में हम कुछ खास बात नहीं करने वाले हैं, बस आप जान लीजिए कि एक 2MP का मैक्रो भी है। और 16MP का सेल्फी कैमरा आता है। सबकी परफॉर्मेंस, सबका कैमरा सैंपल्स आप आगे देखने वाले हैं, तो देखिए और इन्जॉय करिए। और आपको कैसा लग रहा है वीडियो, अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करें आप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों इसके 64MP ओमनीविजन सेंसर वाले कैमरे से एक 2x वाला शॉट है ये, तो आप देखें इसमें काफ़ी अच्छे डिटेल्स वगैरह देखते हैं 2x शॉट जूम करने के बाद भी, क्योंकि 64MP का सेंसर है। और ये 1x पे लिया गया है, काफ़ी अच्छे कलर्स वगैरह देख रहे हैं, जो बेडशीट का कलर है उसे भी इसने अच्छे से कैच किया है, कोई इशू नहीं है। और ये अल्ट्रा वाइड एंगल है दोस्तों, 8MP का सेंसर है, तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, और ये इंडोर शॉट था तो बहुत ज़्यादा लाइट वगैरह भी और कलर वगैरह भी थोड़ा सा डल लग रहा है। ये एक नॉर्मल शॉट तो नहीं है, ये भी एक अल्ट्रा वाइड शॉट है दोस्तों, और 8MP के सेंसर से आउटडोर में है, तो काफ़ी अच्छा इमेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये एक 1x वाला शॉट है दोस्तों 64MP वाले कैमरे से, तो ये भी इसमें भी आप देखेंगे कि स्काई का जो कलर वगैरह है वो जो चाहे पीछे वॉल का काफ़ी नेचुरल आया है। और ये एक पोर्ट्रेट शॉट है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे से ब्लर हो गया है, एडजस्टेबल ब्लर भी आता है इसमें। और आप देखेंगे कि एक ये 2x जूम करके मैंने जो प्लांट है उसका लिया हुआ है शॉट,
और ये नॉर्मल 1X में लिया है, जो प्लांट के जो भी लीव्स वगैरह हैं काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ओरिजिनल सा दिखता है। और जो स्काई में आप देखेंगे थोड़ा सा डायनेमिक रेंज वगैरह भी काफ़ी अच्छे से कैमरा कैप्चर कर रहा है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है इमेज के मामले में। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आप देखेंगे एक और अल्ट्रा वाइड सैंपल, और अब चलते हैं दोस्तों सेल्फी कैमरे पे। तो ये नॉर्मल सेल्फी शॉट है, आप देखेंगे इसको मैंने ब्यूटी मोड वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था, फिर भी थोड़ा बहुत मुझे गोरा करने की कोशिश कर रहा है। और ये एक सेल्फी पोर्ट्रेट है दोस्तों, अब एक इंडोर सेल्फी दिखाते हैं, और इंडोर में भी काफ़ी अच्छी सेल्फी आती है, सेल्फी कैमरा इसका बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों ये वीडियो सैंपल IQ Z6 Pro के फ्रंट कैमरे से है 1080p 30fps में, और यही मैक्सिमम रिजोल्यूशन है जो ये कैप्चर कर पाता है फ़ोन फ्रंट कैमरे से। और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मैंने अभी ऑन नहीं किया क्योंकि स्टेबलाइजेशन ऑन करने पे बहुत ज़्यादा क्रॉप कर देता है इमेज को। तो आप देख करके बताइए कैसी क्वालिटी है, और बाहर बहुत तेज़ धूप है तो किस तरह से ये वीडियो कैप्चर कर पा रहा है आप देख के बताइए। अब मैंने फ्रंट कैमरे से स्टेबलाइजेशन ऑन किया है और हाथ को उसी लेंथ पे रखा हुआ है, लेकिन देखिए आप कैसे जो इसका इमेज है वो कैसे क्रॉप्ड सा दिख रहा है। तो इसीलिए मुझे तो नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों ये रियर कैमरे का सैंपल है, 1080p 30fps पे है ये, और आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 30 तक, और 1080p 60 में भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ी बाहर बहुत ज़्यादा धूप है तो बहुत ज़्यादा इमेज मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी है, लेकिन अभी आप फ़िलहाल ये देखें। इसमें जूम का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आप लगभग देख ही लेते हैं पूरा। हाँ 5 की शायद 10x तक जाएगा क्या, 10x तक का जूम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि जाहिर सी बात है डिजिटल जूम है, उतनी अच्छी कोई क्वालिटी आप एक्सपेक्ट नहीं करें, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सी वीडियो क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और स्टेबलाइजेशन कैसा है, और जो इसकी क्या बोलते हैं उसे माइक्रोफोन की क्वालिटी है, जो ऑडियो ले रहा है ये वो कैसा कैप्चर कर रहा है ये आप बताएं। और ये है अपना कैमरा, थोड़ा सा वॉक करते हैं ताकि स्टेबलाइजेशन अच्छे से पता चले कि कितना स्टेबल है ये। अभी तो ये नॉर्मल वाला स्टैंडर्ड वाला मैंने ऑन कर रखा है, एक अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन करके भी मोड दिया हुआ है, जो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा होगा इससे। ऑडियो कैसा पिकअप कर रहा है माइक्रोफोन ये भी ज़रूर बताइए आप। दोस्तों Z6 Pro में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले आता है, 120 हर्ट्ज जिसका टच सैम्पलिंग रेट है, और 1300 निट्स तक पीक ब्राइटनेस जाती है, और HDR10+ भी यहाँ पे सपोर्टेड है। तो एक काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है, 409 की PPI है, 20:9 का स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो है। इसमें आपको स्मार्ट स्विच भी देखने को मिलता है रिफ्रेश रेट का, तो वो काफ़ी अच्छा है फीचर। और डिस्प्ले का जो व्यूइंग एंगल्स है, जो भी कलर रिप्रोडक्शन, काफ़ी अच्छा लगता है इसमें, कोई डिस्प्ले से भी मुझे इशू नहीं है। तो दोस्तों ये था IQ Z6 Pro के बारे में एक डिटेल्ड मेरी तरफ से कोशिश की गई कि आपको सारी चीज़ें बताई जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों चैनल को, ऐसी ही ईमानदारी से बनी हुई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए। मुझे बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे अगर वीडियोज़ को आप पूरा देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो कॉन है छोटा सा दोस्तों, वही कि हेडफोन जैक नहीं आता है, कुछ लोगों को ये कॉन लगेगा, वैसे ज़्यादातर लोग तो आजकल ब्लूटूथ वाला ईयरफोन यूज करने लगे हैं। ऊपर में सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है, और मैंने अगर ओवरव्यू नहीं दिखाया था तो मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। इन डिस्प्ले सेंसर आता है, सेल्फी कैमरा है, थोड़ा सा यहाँ पे नॉच आता है जो कि पुराना डिज़ाइन बहुत लोगों को लगता है, लेकिन मुझे तो इससे कोई शिकायत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।